ज्यादा खुश आज मुझे मिली है मेरी पर्सनल चीज, और किसी को भी उसकी पर्सनल अपने यूज के लिए कुछ मिले तो वो उसके लिए बहुत खुशी की बात होती है। मिला है बहुत ही अमेजिंग सी रिसेंटली लॉन्च्ड बाउंस इन्फिनिटी E1. I really wanted to buy a nice electric scooter and recently Ola Pay या Ether, Ola, Ether ये सारी bikes काफ़ी ज़्यादा trending थी, but मुझे चाहिए थी कुछ अलग type की bike. Actually Ola भी बहुत good looking है, but recently आपने news देखे होंगे काफ़ी सारी bikes पे आग लग जा रहे थे, तो इस वजह से मैंने booking करने के बाद ये सारे news देखे Bounce Infinity को, and then I got so skeptical, मुझे डर भी लगने लगा, but I really got there to their office and cleared all my doubts. एंड उन्होंने कहा कि नहीं, वो लोग जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उनकी पहले येलो कलर की भी बाउंस की बाइक्स चलती थी पहले भी, तो वही टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ किया है और उन्होंने कभी उसमें ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आई है, तो अभी भी कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह. एंड इनका जो अमेजिंग शॉपिंग स्टेशंस का जो वेरिएंट निकाला है कि आप विदाउट बैटरी स्कूटर खरीद सकते हो, और फिर आपका हर कुछ किलोमीटर्स पे शॉपिंग स्टेशंस उनका लॉन्च होगा जहाँ पे आप जाके अपनी बैटरी जो आप यूज़ कर रहे हो उसको स्वॉप करके दूसरी बैटरी लगा सकते हो, और फिर यू कैन स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम देयर ऑन. सो दिस इज अमेजिंग थिंग्स दैट बाउंस इन्फिनिटी हैज कम अप विद, एंड आई वाज सो एक्साइटेड. और ऋतिक कर रहा था रेड वाली बाउंस इन्फिनिटी का एड, बट मैंने खरीद लिया है ग्रे कलर, कॉमेट ग्रे, बिकॉज मुझे कॉमेट ग्रे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. मैं आप लोग को दिखाऊंगी अपनी बाउंस इन्फिनिटी बाइक, और बहुत जल्दी अब आप लोगों को मैं उसके स्पेसिफिकेशंस बताऊंगी. मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें वो बाउंस इन्फिनिटी के स्पेसिफिकेशंस वगैरह बताते, बट पर्सनली यूज़ करने के बाद उसका फील कैसा है, उसको चलाते कैसे हैं, उसका जो जो फंक्शंस है वो कैसे काम करता है, वो मैं आपका आज अपने वीडियो में बताने वाली हूँ. आपको बहुत पसंद आएगा. अगर आप बाउंस इन्फिनिटी लेने का सोच रहे हो तो आप मेरा रिव्यू देख लेना, और उसके बाद आपको डिसीजन लेने में बहुत आसानी होने वाली है. सो लेट्स मूव एंड लेट्स गो टुवर्ड्स द बाइक, जो कि मैं आपको अपने घर के बाहर में लगा के दिखा दूंगी. सो आई जस्ट वॉन्ट टू गिव दिस रिव्यू टू यू गाइज सो दैट यू गेट हेल्प फ्रॉम माई रिव्यू वीडियो, एंड अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हो. सो लेट्स मूव. लेट मी शो यू माई बाइक फर्स्ट. स्टार्ट होगा यहाँ से. सो दिस इज़ द की. तो हम जब की को स्टार्ट करेंगे तो ये पावर स्टार्ट हो जाएगा, एंड देन यू हैव टू गेट दिस टू ज़ीरो. जब ये ज़ीरो ज़ीरो पे आ जाएगा देन यू हैव टू प्रेस योर ब्रेक, कोई भी एक ब्रेक आप प्रेस करें, और उसके साथ यहाँ का ये जो बटन है, ये पावर बटन, उसको प्रेस करें तो दिस लाइट गोज ऑन. दिस इज़ द पावर लाइट. सो अब आपकी बाइक स्टार्ट हो चुकी है एज़ यू गिव द एक्सेलरेटर. जैसे एक्सेलरेटर देके आपकी बाइक चलना स्टार्ट हो जाएगी. सो आई शो यू एज आई एम गिविंग द एक्सेलरेटर, यू कैन सी द व्हील. ओके, सो दिस इज आई एम गिविंग द एक्सेलरेटर हियर एंड द व्हील्स आर मूविंग. ओके, अब मैंने इसे छोड़ दिया. देयर आर थ्री मोड्स ओवर देयर. यहाँ पे तीन मोड्स होते हैं, पावर मोड है, इको मोड है एंड ड्रैग मोड है. सो व्हेन आई एक्सप्लेन ईच मोड टू यू.
सो आप पावर मोड इज लाइक, आप अगर ऐसी जगह चला रहे हैं जहाँ पे आपको हाई स्पीड में जाना है तो आप आराम से पावर मोड लाइक आप हाईवेज एंड ऑल में पावर मोड यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको 30, 35, 40 किलोमीटर पर स्पीड के आवर पे जाना है तो आप इसको इको मोड पे करिए। सो लाइक इन सिटी एरियाज जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है वहाँ पे इको मोड में यूज़ करते हैं लोग। सो एंड दिस इज़ ड्रैग, मैं आपको बाद में बताऊँगी। सो दिस इज़ पावर मोड एंड इको मोड। तो आपको जो मोड ईजी लगे, इसमें अच्छा पिकअप देता है, आप स्टार्ट जैसे करोगे पिकअप ज़्यादा अच्छा स्पीड जाता है। एंड इसमें आपको जैसे आपको आराम आराम से चलने वालों में से आप हो तो आप इसको आराम से इको मोड में, तो मैं यूजुअली इको मोड में चलाती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो अभी तक मैंने यहाँ पे 41 किलोमीटर्स चलाया है एंड अभी ये और 15 किलोमीटर्स का रेंज देगी इको मोड में। यहाँ पे आपको सारा जो भी मोड आप चला रहे होते हो यहाँ पर शो करता है। एंड यहाँ पे एक्चुअली बैटरी एकदम लास्ट हो गई है, जब मैं लाई थी यहाँ से थी तो दिस इज़ फुल एंड दिस इज़ लाइक लास्ट हो गई है। सो ये चीज़ अभी इसको चार्ज होने के बाद पता चलेगा कि कितना लंबा ये चलेगा। ड्रैग मोड है अगर आप किसी भी जगह पर फंस गए हो, आपका टायर पंक्चर हो गया है और आपको किसी पेट्रोल पम्प के पास जाना है तो आप उसको ड्रैग मोड में ले आओ। ये बटन है, इसको नीचे करना है, यहाँ पर ड्रैग लिखा है। ओके, ये करने के बाद आपको ये प्रेस करना है और इसको प्रेस करना है, यहाँ पे आपका ड्रैग मोड आ जाएगा। सो ड्रैग में क्या होगा कि आपकी व्हील्स जो है वो धीरे धीरे चलती रहेगी सो दैट आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगानी पड़े गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। सो दिस इज़ अ वेरी गुड पार्ट ऑफ दिस, सो आई रियली लाइक दिस कि आप इसमें अगर आप बच्चे को बैठाए हुए हो तो उसको बैठा के भी लेके जा सकते हो, मतलब आप खड़े होके ही चलो तो बेटर है क्योंकि धीरे धीरे आगे बढ़ेगी पेट्रोल पंप तक, आप इसको आराम से लेके जा सकते हो। ओके, ये हो गया आपका ड्रैग मोड का। ओके, अभी एक और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग मोड है एंड दैट इज़ क्रूज मोड। सो फॉर द क्रूज मोड आप इसको या तो पावर में रखो या इको में रखो। ओके, क्रूज मोड आपके हाईवेज़ के लिए जहाँ पे आप चाहते हो कि आपका स्पीड एक जगह पे लॉक हो जाए और आप आराम से उसको उसी स्पीड में चलाना चाहो तो उसी स्पीड पे चला सकते हो। क्रूज मोड व्हाट यू हैव टू डू इज या आपकी आप पावर या इको में रख के आप जब इसको एक तरह से एक स्पीड पे ले आओगे तो आपको बस यहाँ पे जो येलो बटन है, सिंस मेरे पास एक ही हाथ से मैं कर रही हूँ तो मैं आपको ऐसे ही दिखाऊंगी, आपको इसको बस प्रेस करना है विदाउट एनी ब्रेक्स। ठीक है, आपको देखो यहाँ पे क्रूज मोड आ गया। अब आप इसको छोड़ दोगे एंड देन यू विल फाइंड दैट द व्हील्स कीप ऑन मूविंग एट अ एक स्पीड सेट हो जाएगी आपकी, दैट इज़ 38 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे ही आपका हाईवे पे चलता जाएगा सो दैट यू कैन मेंटेन दैट स्पीड एंड कीप ऑन मूविंग। सो दिस इज हाउ इट गोज। और इसको बंद करने के लिए आप या तो इसको चला दो या ब्रेक दबा दो, सो आई विल डू दैट एंड इट गोज ऑफ। सो दीज आर द वेरियस फंक्शनैलिटीज एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस बाइक विच मेक्स इट रियली रियली अमेजिंग। और अभी तक मैंने चलाया और मुझे इतना स्मूथ फील आया इसको चलाने पे कि मैंने एक और रिवर्स मोड आपको नहीं बताया। सो रिवर्स इज ऑल्सो रियली गुड अगर आप पार्किंग वगैरह पे लगाए हो और आपको बाइक अपनी पीछे निकालनी है तो आप उसको अगर पीछे आप ज़्यादा धक्का नहीं दे पा रहे हो या थोड़ा सा चढ़ाई है तो उसमें आप रिवर्स मोड ले सकते हो जिस पे बाइक पीछे जाएगी। सो फॉर दैट यू हैव टू फर्स्ट गेट टर्न द बटन टू रिवर्स। ओके, एंड देन यू हैव टू स्विच इट ऑन। अगर आप पार्किंग पे हो, आप बाइक स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले ये ऑन करना है, फिर रिवर्स में करना है एंड देन यू हैव टू डू लाइक दिस। सो ये आपकी रिवर्स आ जाता है। सो यू हैव टू चेक एवरीथिंग दैट इज़ शोइंग ऑन द डिस्प्ले सो दैट इट्स वर्किंग। ठीक है, सो ये होने के बाद आप जब बाइक को मूव करोगे तो बाइक पीछे की तरफ जाएगी और इसकी भी एक स्पीड मेंटेन है, दैट इज़ 3 किलोमीटर्स पर आवर से ज़्यादा नहीं जाएगी। सो 3 to 4 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ये पीछे जाएगी सो दैट आप इसको आराम से बिना मेहनत के पीछे निकाल सको। मुझे तो काफ़ी ज़रूरत लगी है इसको अभी तक पार्किंग वगैरह से निकालने में, सो इट्स बीन वेरी हेल्पफुल। और जब इसको हटाना हो तो बस आप इसको हटा दो, ये वापस से आप जिस भी मोड में हो उसमें आ जाएगा। सो ये हो गया आपकी गाड़ी कैसे चलती है एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका जो भी है, ये पीछे जाएगा तो आपकी डिक्की खुल जाती है। काफ़ी अच्छा इसमें 12 लीटर्स की कैपेसिटी का डिक्की है, इसमें आपका एक हेलमेट आराम से घुस जाएगा एल साइज़ का, एम साइज़ का भी आराम से फिट हो जाएगा। यहाँ पे इसकी बैटरी है, ओके, लिथियम आयन बैटरी है। सो दिस इज़ द चार्जिंग पॉइंट
कि आपको चार्जर यहाँ पे ऐसे निकाल के इसको ऐसे घुमा एंटी क्लॉकवाइज मूव करना होता है। ये जो आपको येलो ब्लू वाला दिख रहा है इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करके बैटरी का चार्जर निकालना पड़ता है, और उसके बाद ये निकाल के आप इस बैटरी को आराम से ऐसे पकड़ के कैरी करके अपने घर पे ले जा सकते हो। और इसको अपने चार्जर पे चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, ये इसका चार्जर है जो अभी तक मैंने चार्ज किया नहीं है। सो वंस आई चार्ज इट आई टेल यू कि कितना टाइम लगता है इसको चार्ज करने पे। तो आप इसको ये पार्ट को फिर वहाँ पे फिक्स करके इसको चार्ज कर सकते हो। अगर आपने बैटरी के साथ ख़रीदा है तो आप इस चार्जर के साथ चार्ज करो, अदरवाइज आपने अगर बैटरी के बगैर ख़रीदा है तो ऑब्वियसली आपको स्वैपिंग स्टेशन के बारे में पता होगा, आप ऐप में इंस्टॉल करके देख सकते हो और वहाँ पे कर सकते हो इसको स्वैप। इसकी हेडलाइट्स आप देखो इस तरफ, सो दिस विल ऑलवेज बी ऑन दिस वन एलईडी लाइट एंड लो बीम, एंड अगर आपको बाहर रात में चल रहे हो तो आप इसको हाई बीम कर सकते हो। सो इस तरह से ये रहेगा, and these are the indicators left and right. Start the bike and you'll see कि motor में कोई आवाज़ नहीं है, obviously battery operated है तो electric bikes ऐसी ही होती हैं। So I've switched it on. तो ये देखिए हाथ से बनाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, सो दिस इज़ माई रिव्यू एंड कितना स्मूथली ये चल रही है। सो मुझे चलाने में काफ़ी मज़ा आया। बता दिया कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी बटन यूज़ करके। एक्चुअली मैं अकेले उसको शूट कर रही थी, हाथ में ही कैमरा को पकड़ के उसको दिखा रही थी, तो कुछ बटन ऐसे थे कि मुझे एक दोनों हाथ को साथ साथ ही इस्तेमाल करना था, तो इस वजह से मुझे मोबाइल पकड़ने में साथ साथ दिखाने में। बट आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कह रही थी, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। सो अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो उसको नज़रअंदाज करिएगा, और कैसा लगा मेरा रिव्यू वीडियो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। फाइनल स्टेटमेंट है इस बाइक के बारे में इज़ दैट कि दिस बाइक इज़ रियली गुड, और इसका चलाने का फील बहुत अच्छा है। मैंने विद बैटरी ख़रीदा है, मुझे ये ऑन रोड पड़ा है 87,000 चेंज पड़ा है मुझे इसका, सो अराउंड 88,000 आप पकड़ लीजिए। ये वाला विद इंश्योरेंस इंक्लूडेड है इसमें। इसका जो अलग अलग कलर्स है, दैट इज़ ग्रे कलर है, सिल्वर कलर है, वाइट कलर है, देन यू हैव गॉट ब्लैक कलर एंड रेड कलर। सो और ये बैटरी अभी लास्ट बचा हुआ है इसमें, सो इसको चार्ज करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि कितने टाइम में ये चार्ज हुआ। सो दिस इज़ द बैटरी, और हम इसको घर पर ले आए हैं चार्ज करने के लिए। आ रहे हैं यहाँ पर, ये अडाप्टर है इसका, इसको प्रेस कर देना है, एक आवाज़ आएगी, इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है और ये ऐसा निकल जाएगा। पर लगाने के टाइम सिर्फ इसको ऐसे प्रेस करना और ये आवाज़ आएगी। स्टार्ट कर दिया है एंड इसमें एक आवाज़ आ रही है एंड चार्जिंग है स्टार्टेड। यहाँ पे एक वन है, फुल होने पे ये चारों जल जाएगा, देखते हैं कितने टाइम पे होता है। अभी बज रहे हैं 9:10, सो विल सी कि कितने बजे तक ये चार्ज होता है। टाइम है जो मेरा चार्जिंग फुल कंप्लीट हो गया है एंड माई बैटरी इज़ कम्प्लीटली चार्ज। बैटरी को ले जाके ऑलरेडी लगा दिया है मेरे हस्बैंड ने उसको बाइक पे। सो जब चारों उसका चार लाइट्स था ऑलरेडी जल गया वो चारों, एंड आई एम सॉरी वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मेरे हस्बैंड को पता नहीं था, वो पहले ही ले गए उसको लगाने के लिए। लेट मी टेल यू कि आप से कह सकते हो 4 घंटे मुझे लगे हैं, ऑलमोस्ट 4 घंटे इसको फुल चार्ज करने में। आई जस्ट वॉन्टेड टू रिव्यू इट फॉर यू गाइज एंड होपफुली आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज लीव अ कॉमेंट। इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसकी बैटरी को अपने घर पे लाके चार्ज कर सकते हो, एंड दिस इज रियली द गुड पार्ट, और इसमें आपका पेट्रोल का खर्चा बचता है। सो आई रियली सपोर्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, एंड पेट्रोल का बहुत ज़्यादा रेट्स बढ़ गया है, एंड घर पे अगर आप लगा के ये सोचोगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आएगा, सो वो जितना भी आएगा आपके पेट्रोल के प्राइस से तो कम होगा, बिकॉज ये एक बार इको मोड में चल रही है। अभी 41 किलोमीटर्स चला लिया है मैंने, और अभी इसमें और 20 किलोमीटर्स चलेगा, सो इट्स लाइक आपको 65 to 70 किलोमीटर्स इको मोड में आराम से देगा।
और आपका मोड पर डिपेंड करता है। अगर आप पावर मोड पर चला रहे हो तो आपका जो किलोमीटर्स पर माइलेज है वो थोड़ा कम हो जाएगा, अगर आप इको मोड में चला रहे हो तो आपका माइलेज ज़्यादा रहेगा। और दिस वॉज ऑल, होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग। अल्लाह हाफिज़।